ये हमारे पास प्री स्ट्रेस्ड एनएम का एक सवाल है। कंप्यूट दी एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस एट द मिड स्पैन यूजिंग फॉर द बीम शोन यूजिंग द लोड बैलेंसिंग टेक्निक। इस सवाल में सिर्फ जो है एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस निकालने हैं मिड स्पैन पे। ये हमारे पास फिगर गिवन है, ये क्रॉस सेक्शन गिवन है। अब इस सवाल में ये जो 3 kPa लोड गिवन है ये इंक्लूडिंग सेल्फ वेट है, यानी बीम का वेट भी इसमें शामिल है, इंक्लूडेड है। तो वो जो स्टेप्स हैं उस वेट को कैलकुलेट करने के, उनको अगर गिवन ना हो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हो वर्ड एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, एग्जाम में ऐसे भी आता है एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, तो हमें सेल्फ वेट निकाल के ऐड करना होगा फिर। लेकिन अगर यहाँ लिखा हो इंक्लूडिंग सेल्फ वेट मीन्स इसमें सेल्फ वेट ऐड है, हमें ऐड नहीं कराना होगा, हम नहीं करेंगे कैलकुलेट। यहाँ क्रॉस सेक्शन गिवन होता है उससे पता चलता है। अब ये गिवन तो है लेकिन इसमें डायमेंशन नहीं लिखी हुई, क्योंकि इसमें नीड भी नहीं थी डायमेंशन की, वो गिवन था हमें लोड, इंक्लूडिंग था ये। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन जो है ये है 18 18 यानी कि 36 इंचेस, और ये जो है ये है 12 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ बीम 12 इंचेस था उसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 कर लिया, 36 इंचेस को अगेन डिवाइड बाय 12 किया ताकि फीट में कन्वर्ट हो, 150 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि प्री स्ट्रेस का जो वो यूनिट वेट होता है वो 150 होता है। यहाँ से आंसर आया 450 यानी 450 पाउंड पर फिट, इसको डिवाइड बाय 1000 किया ताकि किप पर फिट में आ जाए, तो 0.450 किप पर फिट। अब ये जो 3 है इसमें हम ऐड करा सकते हैं ये वाली वैल्यू 0.450 इसमें ऐड करा देंगे, सिर्फ ये एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये एफ फोर्स हमें गिवन है 360, ये वाला एफ है कैपिटल एफ, हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला होता है अप थ्रस्ट, अप जो टेंडन की फोर्स ऊपर लग रही है उसका, ये आप एरोस देख सकते हैं, तो ये अपवर्ड फोर्स होती है। हम क्या कोशिश करते हैं कि टेंडन का जो कर्व है, हम अब टेंडन की वजह से इस बीम को अपवर्ड की तरफ यानी इस तरह करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक हिल होती है, मतलब एक इसका बेंड जो है इसका वो अपवर्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऊपर से जब लोड आए तो वो लोड को रेजिस्ट कर सके, लोड जब आएगा तो फिर ऑटोमेटिक वो इस तरह बैलेंस हो जाएगी और फिर डाउनवर्ड वो बेंड होगी, लेकिन फिर थोड़ा सा होगी, लेकिन डायरेक्ट अगर ऐसे स्ट्रेट ही हमने बना दिए तो डायरेक्ट जो फोर्स आएगी फिर ये नीचे ज़्यादा बेंड होगी। लेकिन हम खुद से एक हल्का सा ऐसे बेंड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे टेंडन की मदद से, तो फिर जो लोड आएगा तो बीम काफ़ी जो लोड है वो तो उसको बैलेंस करने में लग जाएगा, इसीलिए लोड बैलेंसिंग टेक्निक भी इसको हम कह रहे हैं। अब इसमें ये हमने W निकालना है, टेंडन की जो फोर्स है अपवर्ड अपवर्ड फोर्स, तो इसमें H क्या है, H 6 inches by 12, ये जो गिवन है एज एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी इंचेस में गिवन है, उसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। नीचे क्या था, एल एल ये है लेंथ हमारी स्पेन की और उसका स्क्वायर लेना है, एफ एफ ये गिवन था फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग की फोर्स जो है वो एफ है। अब यहाँ से जो आंसर आया वो आया 2.5। अब हमने क्या करना है, हेंस नेट डाउनवर्ड फोर्स यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स अब कितनी रह गई, टोटल यहाँ पहले डाउनवर्ड फोर्स थी 3, ऊपर लोड लग रहा था, ये ग्रेविटी का लोड है नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड लोड कह सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स कह सकते हैं, लेकिन उसमें से डाई तो ये माइनस हो गया जो अपवर्ड की तरफ लग रहा था, तो 3 में से डाई गया तो अब क्या बच गया 0.5। अब सिर्फ ये जो है अफेक्ट करेगा हमारी टेंडन की वजह से, हमने डाई जो है लोड वो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया 2.5 kPa। अब क्या है, मोमेंट एट मिड स्पैन ड्यू टू दिस लोड, मिड स्पैन पे मोमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, WL² / 8, W ये आ गया 0.5 अभी जो हमने निकाला, L हमें पता है 24 है और 8 तो फार्मूले का है, यहाँ से ये आ गया। उसके बाद फाइबर स्ट्रेस ड्यू टू मोमेंट आर, स्टेप्स याद रखने हैं जहन में, फाइबर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है, अब इसमें MY/I है लेकिन इसको अगर हम चेंज करें तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है 6M/BD², इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमें आई नहीं गिवन, बी और डी गिवन है। अब ये 6 mm की जगह क्या आ गया, 36 जो हमने यहाँ निकाला उसको 12 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये फिट में था, फिट को कन्वर्ट करने के लिए, फिट को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए 12, और किप था, किप को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, डिवाइड बाय बी डी,
बी डी कहाँ गिवन होगा, इसमें मैं लिखना मैंने मेंशन नहीं किए, ये जो आपका होगा विड्थ ये होगी बी, और डेप्थ जो होगी वो होगी आपकी डी। अब यहाँ पे 12 इंचेस जो है वो बी है, 30 इंचेस जो है 30 इंचेस हमारा डी है, यहाँ से हमारे पास आ गया 144। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कंप्रेशन ए टॉप फाइबर टेंशन एंड बॉटम फाइबर, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी आखिरी फोर्स क्या बची थी, ऊपर से आ रही थी, नीचे वाली फोर्सेस कैंसिल हो गई थी जो आ रही थी 2.5 टेंडन की वजह से जो थी, बाकी जो बकाया लोड ऊपर से आ रहा था वो था 0.5। अब एक स्ट्रेट टेंडन है, एक स्ट्रेट बीम है हमारी प्री स्ट्रेस बीम, उसके ऊपर से लोड आ रहा है तो वो जाहिर है नीचे की तरफ बेंड करेगी, नीचे की तरफ बेंड करेगी, तो जब भी नीचे की तरफ बेंडिंग हो बेंड हो तो फिर टॉप फाइबर में क्या आता है कंप्रेशन और बॉटम फाइबर में टेंशन। लेकिन अगर कर्व हमारा अपवर्ड बन रहा है तो उल्टा हो जाएगा, अपवर्ड में क्या होगा बॉटम फाइबर में टेंशन टॉप फाइबर में कंप्रेशन। अब ये हमने यहाँ पे निकाली, सिंपल फॉर्मूला था यहाँ से मिल गई, हमने कहा कंप्रेशन टॉप फाइबर में टेंशन बॉटम फाइबर में। अब उसके बाद का स्टेप क्या है कि स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, अब प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो निकाल रहे हैं। एक तो हमने मोमेंट निकाला, मोमेंट निकाला और फाइबर स्ट्रेस निकाले। अब उसके बाद क्या है प्री स्ट्रेसिंग का जो स्ट्रेस है वो निकाल रहे हैं हम, उसका फॉर्मूला एफ अपॉन ए, एफ था 360 लेकिन उसको पाउंड पाउंड में पुट करना है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दिया, यानी डायरेक्ट हमने 3 जीरो उसमें ऐड कर दिए। ये बी और डी है, एरिया एरिया का मतलब क्या होता है बी और डी को हमने मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ से ये आ गया। अब रिजल्टिंग स्ट्रेसेस क्या होंगे 144, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेशन का पॉजिटिव लेते हैं टेंशन का नेगेटिव। बाकी ये 600 क्या है, ये फाइबर स्ट्रेसेस हैं, सॉरी बल्कि ये है प्री स्ट्रेसिंग का जो हमारे पास आ रहा है 600, वो हमने यहाँ रखा। तो ये हमारे पास अब जो आंसर आएगा अगर पॉजिटिव में आया तो कंप्रेशन, अगर यहाँ पे आंसर फाइनल आंसर आ रहा है नेगेटिव में आया तो टेंशन। तो दोनों में टॉप फाइबर में बॉटम में कंप्रेशन ही है क्योंकि दोनों आंसर पॉजिटिव आए। अब दोनों कंप्रेशन है तो दोनों हमने इस साइड पे बना दिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो ज़्यादा चला लिया इसको कम, और फिर इनको मिला लिया। एक ये तो हमारी रेफरेंस लाइन थी, ये बनाई फिर उसके बाद ये चीज़ें की, यहाँ ये माइनस देने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय मिस्टेक है, ये कंप्रेशन है तो प्लस में देंगे। अब अगर ये टेंथ एक वैल्यू कंप्रेशन की आती है एक टेंशन की आती है तो फिर हम क्या करते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी टॉप फाइबर में वैल्यू कंप्रेशन की आ रही है 400 और बॉटम में जो आ रही है टेंशन की 200, ये हमने रेफरेंस लाइन बनाई, ये आ गया 400 पॉजिटिव साइड पे और फिर नेगेटिव साइड ले गए इसको और ये 200। आप देख रहे हैं ये हम ज़्यादा यहाँ लेके आए हैं और ये इधर कम चला है, ये अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि हम 2D स्केल तो बना नहीं रहे डायग्राम, ये 400 था, ये फॉर एग्जाम्पल 200 वैल्यू थी, ये आके यहाँ मिल गई। अब ये जो है क्योंकि कंप्रेशन है तो एरोज अंदर की तरफ एक करने चाहिए, यानी कंप्रेस कर रहा है हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, टेंशन का मतलब होता है खींचना, तो ये देखें ये एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपल हमने एक ही डायरेक्शन में एरोज बनाने हैं, खुद ब खुद वो कंप्रेशन के होंगे तो ये आपकी लाइन को टच कर रहे हैं, और अगर टेंशन के हैं तो लाइन से बाहर जा रहे हैं। ये सवाल आपका यहाँ सॉल्व होता है। अब दूसरा इसी तरह का सवाल है कि फिनिश दिस प्रॉब्लम, और इसमें जो है स्ट्रेस कैलकुलेशन जो है वो निकालनी है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि 3 kPa है एक्सक्लूडिंग बीम सेल्फ वेट, इसमें बीम का सेल्फ वेट नहीं है मौजूद, तो फिर हमने क्या करना होगा वो कैलकुलेट करना होगा प्लस रोल नंबर, तो रोल नंबर भी इसमें ऐड कराना होगा। लेकिन इसमें क्या है फिनिश दिस प्रॉब्लम परफॉर्म एफ बॉटम स्ट्रेस कैलकुलेशन एज वेल एज स्ट्रेसेस एट सपोर्ट्स, इसमें हमने सपोर्ट्स पे भी स्ट्रेसेस निकालने हैं। अब सपोर्ट्स पे निकालने का क्या तरीका, फिर इसका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। अब दूसरा जो हम क्वेश्चन 2 करेंगे फिर वो वाला इसमें चक्कर आ जाएगा कि सपोर्ट्स पे भी निकालनी है और मिड स्पैन पे भी निकालनी है।